स्टार्टिंग ट्रबल, व्हीकल जब क्रैंक ना ले रही हो। स्टेप वन, व्हीकल स्टार्ट ना होने पर सबसे पहले व्हीकल की बैटरी का वोल्टेज टेस्ट करेंगे। 12 वोल्ट की बैटरी में 12 वोल्ट होना चाहिए और 24 वोल्ट की व्हीकल में 24 वोल्ट होना चाहिए। स्टेप टू, बैटरी के पास में लगे हुए मैक्सी फ्यूज को चेक करें। स्टेप थ्री, फ्यूज बॉक्स में लगे हुए इग्निशन फ्यूज को चेक करते हुए ईएमएस रिले पर वोल्टेज को चेक करेंगे। इसका वोल्टेज व्हीकल में लगी हुई बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। स्टेप फोर, सभी टेस्ट सही से हो जाने पर ईएमएस के J2 कपलर वॉल्वो के पिन 1, 3, 5 और 41 पर वोल्टेज का टेस्ट करें। इसका वोल्टेज व्हीकल में लगी बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। स्टेप फाइव, व्हीकल में लगे हुए सभी ग्राउंडिंग पॉइंट्स को चेक करते हुए ईएमएस के J2 के पिन 2, 4 और 6 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो कि मल्टीमीटर में बीप साउंड से पता चलेगा। स्टेप सिक्स, ऊपर दिए गए सभी टेस्ट सही होने पर VECU के सी कपलर को पिन नंबर 4 और 5 पर और ईएमएस के J2 के पिन 15 और 14 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करें। ये टेस्ट भी सही मिल जाने पर VECU के ए कपलर को पिन नंबर 6 और इग्निशन SW के पिन नंबर 4 के बीच कंटिन्यूटी चेक करें। स्टेप 7, ईएमएस के J1 कपलर के पिन 81 और 8 तथा स्टार्टर रिले के पिन नंबर 1 और 2 के बीच कंटिन्यूटी चेक करें।